नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Z Fold 3 versus Samsung Galaxy Z Fold 2 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में 6.23 इंच जबकि Galaxy Z Fold 2 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में 5.04 इंच जबकि Galaxy Z Fold 2 में 5.05 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy Z Fold 3 में 0.25 इंच जबकि Galaxy Z Fold 2 में 0.27 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy Z Fold 3 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy Z Fold 3 में 271 ग्राम्स जबकि Galaxy Z Fold 2 में 279 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy Z Fold 3 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही डायनामिक AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 7.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1768x2208 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy Z Fold 3 में 89.7% जबकि Galaxy Z Fold 2 में 89.07% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 372 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy Z Fold 3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, और Galaxy Z Fold 2 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा, वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy Z Fold 3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और Galaxy Z Fold 2 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy Z Fold 3 में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Galaxy Z Fold 2 में भी डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में Adreno 660 जबकि Galaxy Z Fold 2 में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में Qualcomm Snapdragon 888 और Galaxy Z Fold 2 में Qualcomm Snapdragon 865 Plus मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 12GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में Android V11 जबकि Galaxy Z Fold 2 में Android V10 की देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy Z Fold 3 में 4400 mAh जबकि Galaxy Z Fold 2 में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में 3 कलर्स जबकि Galaxy Z Fold 2 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy Z Fold 3 की 149,999 रुपीस जबकि Galaxy Z Fold 2 की 134,999 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में गैलेक्सी Z Fold 3 आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स है जो कि 1,24,700 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है जो कि 93,150 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus 9 Pro है जो कि 64,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 है जो कि 84,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।